हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आप लोग से कह रहा था दोस्तों मैं मुर्गा, देसी मुर्गा लाऊंगा। तो दोस्तों आज मैं और मेरे पापा जा रहे हैं दोस्तों हम लोग लाने मुर्गे को। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो को दोस्तों आप लोग अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना देर के हम लोग मुर्गे को लाने के लिए चलते हैं। तो दोस्तों हम चल रहे हैं अपने दोस्तों मुर्गों को लाने के लिए। तो अब चलिए दोस्तों मैं आप लोग को दिखाता हूँ सफ़र दोस्तों कि किस प्रकार से हो रहा है हम लोग का, हम लोग कितनी दूर जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो मैं पूरा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ मैं थोड़ा थोड़ा सा वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि पूरा वीडियो बनाऊँगा तो बहुत दोस्तों टाइम लग जाए। Find the real me. So let's go. Seize the feeling. 'Cause you know, oh, it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. Find the real me. So let's go. This is a feeling. 'Cause you know. A few moments later. तो फाइनली दोस्तों हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे देसी मुर्गी पालन होता है आप देख सकते हो। पर इस टाइम बहुत मुर्गियाँ कम है क्योंकि होली में बिक गई थी तो सेल हो चुकी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतनी मुर्गियाँ हैं और मुर्गे तो बहुत कम हैं। आप देख सकते हो मुर्गियाँ ज़्यादा हैं पर मुर्गे बहुत कम हैं। तो अभी दोस्तों बात हो रहा है उनसे मालिक से दोस्तों मुर्गे लेने के लिए। तो मैं वीडियो सोचा बना दूँ, मतलब दरवाज़ा मैं खोल कर नहीं बना सकता वरना तुरंत दौड़ कर लोग आ जाएंगे बाहर। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितने कड़कनाथ मुर्गे हैं। इसमें सोनाली मुर्गियाँ भी हैं, देसी भी हैं, एंड अंडे तो आप पूछिए मत कितने हैं दोस्तों। बत्तख के अंडे हैं, मुर्गियों के इतने दोस्तों अंडे आप देख सकते हो, आपके सामने भी होंगे। तो ये सब आप देख सकते हो, बाहर भी बहुत मुर्गियाँ हमारी घूम फिर रही हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कड़कनाथ के मुर्गे जो होते हैं ये पूरे ब्लैक होते हैं। आप देख सकते हो थोड़ा सा भी कोई कलर नहीं, पूरा ब्लैक का ब्लैक ही रहेंगे ये सब। इन लोग के अंडे दोस्तों कैसे होते हैं आप लोग मुझे कमेंट कर बताइएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एक डॉग है जर्मन सेफर्ड, ये फीमेल है, एंड बाहर एक मेल है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बैठा हुआ है और ये मुर्गियों की रखवाली भी करता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों हम लोग को मुर्गा मिल पाता है या नहीं, क्योंकि बहुत कम मुर्गे हैं तो उनसे थोड़ा सा बात करना पड़ेगा, फिर देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ लोग आए हैं चिक्स लेने के लिए कड़कनाथ के, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो वो दे रहे हैं उन्हें, और मैं आपको बता दूं कि बड़ा मुर्गा जो है वो नहीं मिल पाएगा क्योंकि दोस्तों जो बड़ा मुर्गा है वो बहुत ही कम है इनके सेटअप पर। तो हम दो चिक्स ही ले जाएंगे, एंड देसी मुर्गा दोस्तों हम कहीं से और जगह से खरीद लेंगे। तो दोस्तों हम लोग जाकर आ चुके हैं दोस्तों, मुर्गा लेने गए थे पर मुर्गा तो नहीं मिला दोस्तों, क्योंकि उनके पास बहुत कम था, होली में सब बिक गया था। तो कहीं और से दोस्तों हम मुर्गा ले लेंगे। तो मतलब मैं दो दोस्तों कड़कनाथ का चिक्स लाया हूँ, बच्चा लाया हूँ कड़कनाथ चूजा दोस्तों। तो चलिए मैं आप लोग को अपने कड़कनाथ चूजे को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो हमारा कड़कनाथ का चूजा, इसका पैर सिर दोस्तों हाथ पैर सब इसका ब्लैक ब्लैक है, एंड थोड़ा थोड़ा सा जो इसका दोस्तों वो रेड रेड मुर्गों को होता है ना वो भी इसका ब्लैक ब्लैक है, थोड़ा थोड़ा निकला हुआ है तो दिख रहा है। एंड आप देख सकते हो दोस्तों एक्टिव चूजे हैं, एंड इन्हें मुझे एक हफ्ते तक दोस्तों संभाल के रखना है। एक हफ्ते बाद जब ये खाना पीना स्टार्ट कर देंगे तब तो ठीक रहेगा। ये मुझे लगता है कि कल शाम को ही दोस्तों अंडे में से ये सब चूजे निकले हैं। तो दोस्तों ये दोनों कड़कनाथ के चिक्स मुझे 500 रुपए पेयर दोस्तों मिले हैं। ये दोनों चिक्स का प्राइस 500 रुपए है। प्राइस आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट कर बताएं।
तो यहाँ पे है हमारी मुर्गी चूजे वाली और यहाँ पे हमारा कड़कनाथ का चूजा है, आप देख सकते हो मैंने इस केज में रखा हुआ है। अभी दोस्तों ये कड़कनाथ के चूजों को काट रही है क्योंकि ये ब्लैक कलर का है, इनके बच्चे व्हाइट कलर के, अगर ये व्हाइट कलर का रहता तब दोस्तों ये नहीं हो सके काटते, पर इसको दोस्तों अभी काट रही है। तो दोस्तों जब शाम को ये बच्चों को अपने नीचे लेकर सोएगी तब मैं इसके नीचे दोस्तों रख दूंगा, फिर देखूंगा ये काट रही है या नहीं। वहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो एक हुड़हुड़ पक्षी आई हुई है वहाँ पे दोस्तों बैठी हुई है, आप देख सकते हो शाम का समय है एंड वहाँ पे बैठी हुई है, बहुत ही अच्छी लग रही है। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा दोस्तों कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।